नमस्कार, मैं चंद्रकांत पोहरे लोकबाद से। मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोमिनेंट कॉलेज हिंदू कॉलेज में हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गांधी जी की जयंती मना रहा है। और गांधी जी न केवल भारत में व्याप्त थे अपितु पूरी दुनिया में वो व्याप्त हैं। उनके विचार, उनके संदेश और उनकी दी हुई शिक्षाएँ आज समूची मानवता के लिए एक प्रेरणा है। हम उसी को लेकर के एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम आज हिंदू कॉलेज में डॉक्टर रामेश्वर राय, जो हिंदी के प्रबुद्ध प्रोफेसर हैं, साथ साथ गांधी जी पर उनका विशेष अध्ययन है, तो आज हमने उनसे मुलाकात की। अगली बार हम किसी अन्य विषय को लेकर, गांधी जी से जुड़ी एक चर्चा को लेकर आपसे रूबरू होंगे। गांधी जी के संदर्भ में विशेष बात करेंगे हिंदू कॉलेज के परामर्शदाता और हिंदी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर राय जी से। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल लोकबात में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज सर पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व गांधी जी की 150वीं जयंती सर मना रहा है। सर, गांधी जी को लोग सर विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, दृष्टिकोण में सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर, आप किस दृष्टिकोण से गांधी जी को का समग्र व्यक्तित्व सर देखते हैं? गांधी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जिस रूप में समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, वो उनका आदर्श रूप है। और ये महसूस किया जा रहा है कि इस दुनिया को और दुनिया के भविष्य को बचाने का अगर कोई रास्ता, कोई विकल्प किसी विचारधारा या जीवन दर्शन के पास है तो वह गांधीवाद है। तो गांधी को मैं इस बची हुई दुनिया के भविष्य के रूप में देख रहा हूँ। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि गांधी केवल विचारधारा नहीं है, गांधी को विचार के स्तर पर पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद दुनिया जिस दिशा में जा रही है उस दुनिया को देखते हुए लगता नहीं है कि हम गांधी को लेकर बहुत गंभीर हैं। गांधी बुनियादी तौर पर आदर्श के एक फैशन के रूप में हैं, इसलिए हमारे वक्तव्यों में, हमारी संगोष्ठियों में, हमारी किताबों में, हमारी लेखों में गांधी मौजूद हैं, हमारी चर्चाओं में गांधी मौजूद हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर जो विकास की दिशा है उसमें कहीं गांधी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए गांधी को मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं जो सत्ता तंत्र से लेकर बौद्धिक तंत्र तक में एक बहुत मसालेदार किस्म की चीज है, लेकिन जिसके जीवन को और जिसके सिद्धांतों को लागू करना तो दूर की बात है, उस रास्ते पर या उस रास्ते की तरफ चलना भी इस तंत्र को गवारा नहीं है, या इस रास्ते पर चलना, गांधी के रास्ते पर चलना भी इस तंत्र का मकसद नहीं है। तो गांधी को लेकर वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर एक जबरदस्त किस्म का अंतर्विरोध है। गांधी बहुत आदर्शवादी और संभावनापूर्ण लगते हैं, लेकिन हमारी नीतियां गांधी के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए मेरी नज़र में गांधी पूरे इतिहास में आज सबसे संकटग्रस्त रूप में हैं, क्योंकि कोई भी चिंतक और कोई भी विचारक अगर वह केवल विचार और सेमिनार का आइटम बनकर रह जाए और हमारी नीतियां किसी और दूसरी तरफ बढ़ती चली जाएं, तो ये निश्चित रूप से गांधी का बड़ा संकट है और इस संकट को हमें जरूर ठीक से समझने की ज़रूरत है। जैसा सर ने कहा, गांधी जी का जो बुनियादी सिद्धांत है उससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाएं दूर होती दिख रही हैं। इसी के साथ सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है सर, सर गांधी जी ने सर जो कल्पना की थी जिस समाज में सर न भय हो, न भूख हो, न भ्रष्टाचार हो, लेकिन सर जब आज के संदर्भ में सर अपन देखते हैं सर,
तो वो समस्याएं सर जिसकी तरह से दिखाई देती है, कहीं ना कहीं सर हम गांधी जी के मूल सिद्धांत से कहीं ना कहीं सर हट से गए हैं, आप सर इसको कैसे देखते हैं? दरअसल गांधी जिस समाज की परिकल्पना करते हैं वो भारत के संदर्भ में गांवों का समाज है, और गांवों के प्रति गांधी के आकर्षण का एक बड़ा कारण ये है कि वे गांवों को संपूर्ण स्वायत्त इकाई के रूप में देखते हैं, यानी मानवीय जरूरतों की पूर्ति के सभी संसाधन उस पुराने ग्राम्य व्यवस्था के भीतर मौजूद हैं। आज की दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, खास तौर पर हिंदुस्तान के संदर्भ में, उन समस्याओं का मूल कारण गांधी की नज़र में ये है कि प्रकृति और मनुष्य के संबंधों पर निर्भर सभ्यता नष्ट हुई है, और यही कारण है कि मनुष्य की ज़रूरतों में एक खास किस्म की अराजकता पैदा हुई है। आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य की चेतना के भीतर एक अंतहीन उपभोग की लालसा विकसित की है, और गांधी का ये मानना था कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की ज़रूरतों को पूर्ति करने का मादा इच्छा और सामर्थ्य प्रकृति में है, लेकिन एक आदमी के लालच को भी पूरा करने में समूची प्रकृति सक्षम नहीं है। तो आज की जीवन की और आज के भारत की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल में कहीं ना कहीं उस ग्रामीण व्यवस्था का विघटन है जो कभी स्वायत्त था। गांधी जब कह रहे थे कि आज़ाद भारत गांवों का भारत होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए उन्होंने एक तरह से ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात की, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि हमारे विकास की जो पूरी प्रक्रिया होगी या हमारे विकास की जो पूरी दिशा होगी वह आम आदमी की ज़रूरत को केंद्र में रखकर की जाएगी। तो आज की जो समस्याएं हैं वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी की समस्याएं, इसको गांधी कहीं ना कहीं ग्राम्य व्यवस्था के विघटन से जोड़कर देखते हैं, और अगर हमारा तंत्र, हमारी सरकारें, हमारी नीतियों को बनाने वाले लोग उस ग्रामीण व्यवस्था के पुनर्गठन या पुनर्स्थापन की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो बहुत साफ है कि गांधी की निगाह में संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि विकास की जो हमारी दिशा है वो बड़ी मशीनों की दिशा है, बड़ी सड़कों, राजमार्गों के निर्माण की दिशा है, और गांधी का ये मानना था कि एक पैदल चलने वाला राष्ट्र और पैदल चलने वाला समाज मानवीय हकीकत और मानवीय संवेदना के ज़्यादा नज़दीक होता है। हम दरअसल तेज़ भागती हुई गाड़ियों के मुल्क में बदलना चाहते हैं, और तेज़ भागने वाले लोगों की निगाह आम आदमी के चेहरे पर या आम आदमी की ज़रूरतों पर नहीं होती। आज अगर गांधी होते तो चाहे बुलेट ट्रेन की अवधारणा हो या राजमार्गों की अवधारणा, गांधी इसका विरोध करते, हो सकता है कि गांधी अनशन पर भी बैठते। इसलिए कम से कम गांधी के लिहाज से यह कहा जा सकता है कि आज के भारत की समस्याएं उसकी ग्राम्य व्यवस्था के विघटन में हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सर मेरा अगला सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है। सर अपन कैंपस में बैठे हैं सर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर अग्रणी कॉलेजों में सर हिंदू कॉलेज आता है। सर गांधी जी ने सर जो कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं मानव का चरित्र निर्माण करना था, लेकिन सर जब हम आज की शिक्षा पद्धति को देखते हैं, जैसा कि सर आप भी देख रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर जो आज की शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं सर गांधी जी की मूल भावना के कहीं ना कहीं खिलाफ है, उसको पूरा नहीं कर पा रही। आप सर इसको जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है यह औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था का ही विस्तार और वर्तमान है। इस शिक्षा व्यवस्था की जड़ें जो भारत की अपनी परंपरा, उसकी अपनी संस्कृति और उसकी ज़रूरतें, जड़ें वहाँ पर हैं नहीं। ये मूलतः मैकाले की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको हम परीक्षा व्यवस्था भी कहते हैं,
तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए बनाई और विकसित की गई थी, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था की जो तीन बुनियादी विशेषताएं हैं उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली विशेषता तो यह है कि यह शिक्षा व्यवस्था ज्ञान का प्रतिमान पश्चिम को मानती है। दूसरी इसकी खासियत है कि यह शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के चरित्र पर नहीं बल्कि व्यक्ति के सूचना संग्रह की सामर्थ्य पर निर्भर है। और तीसरी यह है कि यह शिक्षा व्यवस्था एक खास प्रकार की निर्व्यक्तिकता पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के मानवीय गुणों के स्थान पर उसके परीक्षा कौशल को महत्व दिया गया है। इसलिए पूरी तरह स्मृति निर्भर यांत्रिक पश्चिम को प्रतिमान मानने वाली और अपनी समूची परंपरा की अवहेलना पर गर्व करने वाली शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए सवाल किसी कॉलेज और किसी विश्वविद्यालय का नहीं है, और यही कारण है कि इस शिक्षा व्यवस्था में रहने वाले लोग सबसे पहले शिकार होते हैं अपनी परंपरा से कटने का, अपनी अस्मिता से कटने का। यानी शिक्षित आदमी अनिवार्यतः अपनी जड़ों से उन्मूलित होगा। ऐसी स्थिति में इस शिक्षा व्यवस्था का विकल्प ढूंढा जाना चाहिए, और ये ढूंढा जाना चाहिए था आज़ादी के तुरंत बाद, लेकिन विश्वविद्यालय का वही ढांचा कायम रखा गया जो अंग्रेजों ने दिया था। और आज संभवतः हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि पश्चिम का कोई विकल्प नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति की चेतना में विकल्पहीनता को स्थायी भाव मानकर चल रही है। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था के रहते संभवतः उस समाज का निर्माण करना संभव नहीं है जिस समाज की चेतना और ज्ञान का सरोकार इस देश का आम मनुष्य, उसकी समस्याएं हों। अगर हम एक खुशहाल देश बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस शिक्षा के औपनिवेशिक चरित्र से जूझना होगा और इसका कोई विकल्प तलाशना होगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। मेरा सर अंतिम सवाल सर है, सर आज पूरा देश सर गांधी जी को याद कर रहा है। सर भारत ही नहीं, भारत के बाहर सर विश्व के 84 से अधिक देश सर जहाँ गांधी जी की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर सर काम हो रहा है। सर गांधी जी का सर मूल संदेश सर आप आज की युवा पीढ़ी सर युवाओं को क्या देना चाहेंगे जो गांधी जी का सर मूल संदेश था? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि गांधी का कोई भी संदेश भाषिक नहीं है। वे दरअसल वाक्यों और भाषा और कथन और उद्धरणों में नहीं करना कहना चाहते कुछ भी। इसलिए मैं गांधी के उस कथन को आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी को जो कुछ कहना था उसे लिखकर नहीं कहा उन्होंने, बोलकर भी नहीं कहा, जैसा जो भी करना था उन्होंने अपने आचरण से कहा। तो दो चीज़ें मुझे लगता है कि गांधी के संदेश के रूप में देखी जा सकती हैं। एक तो अपनी ज़रूरतों को सीमित करने का संकल्प, क्योंकि जब तक ज़रूरतें मनुष्य की सीमित नहीं होंगी तब तक उसके जीवन का संचालन और उसके जीवन का नियंत्रण बाजार के हाथ में होगा। इसलिए दुनिया के सारे मनुष्यों को बाजार के शिकंजे से बाहर निकलने का बोध निश्चित रूप से होना चाहिए। और अगर हम बाजार के तंत्र को और बाजार के शिकंजे को समझ पाते हैं तो उसका पहला प्रभाव ये होगा कि जीवन ज़रूरतों और वस्तुओं के बीच जो एक बुनियादी संबंध है वो संबंध कायम होगा और समझ में आएगा। हमारी ज़रूरतें असीमित नहीं हैं, इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन बाजार ने इच्छाओं को ज़रूरतों के छद में बदल दिया है। तो पहला काम तो ये है कि हम ज़रूरत और सामान और ज़िंदगी के बीच में एक संतुलन कायम करें। और दूसरा ये है कि समाज को और दुनिया को बदलने के स्थान पर अगर हम अपनी जीवन पद्धति और आचरण पद्धति और जीवन शैली में एक बदलाव लाएं, और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है प्रकृति और जीवन के बीच की लय की स्थापना। आज की संस्कृति में जिसे हम
रतजगा संस्कृति कहते हैं, ये निशाचरी संस्कृति है बुनियादी तौर पर, क्योंकि प्रकृति ने रात जगने के लिए नहीं सोने के लिए दी है। तो हमारे जगने सोने खान पान इन सभी में हम देखते हैं कि प्रकृति के नियमों की अवहेलना है। अगर हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना की जगह उसका सम्मान करें और बाजार की उस दुर्भिसंधि को समझ पाएं और अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करें, अपनी ज़रूरतों के स्वामित्व को स्थापित करें, तो मुझे लगता है कि उपभोग की अंधी दौड़ में गिरती भागती हुई इस दुनिया को एक विराम मिल सकता है, और तब संभवतः हम इस उपभोक्तावादी सभ्यता और संस्कृति को एक मानवीय आयाम देने की दिशा में पहल कर सकते हैं। गांधी को मैं इसी रूप में याद करना चाहता हूं कि वे दरअसल मनुष्य को मनुष्य के रूप में समादृत और स्थापित करना चाहते हैं, और मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करने की पहली शर्त यह है कि वह प्रकृति का सम्मान करे, वह प्रकृति की लय को अपने ज़िंदगी की लय का फिर से हिस्सा बनाए। तब शायद हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर पाएंगे जिसमें शांति हो, जिसमें अहिंसा हो और जिसमें बंधुत्व हो। लेकिन इसके लिए प्रकृति और जीवन के लय को संतुलित करना होगा, और शायद गांधी का यही अलिखित संदेश है जिसका पालन करना अभी असंभव सा दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जैसा गांधी जी के समग्र व्यक्तित्व को परिलक्षित किया। और गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं, और वो विचार को सीमाओं तक नहीं सिमटता, वो जीवन की अनंत सीमाओं तक व्याप्त रहता है। और गांधी जी का विचार अनंत काल तक जीवित रहेगा, और गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम आचरण के द्वारा उनके सिद्धांतों को पालन करके दे सकते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़े, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी डॉक्टर सर से बात की, हम लोगों ने बात की सर से गांधी जी को लेकर के। तो आप लोग चर्चा को देखने के लिए हमारे चैनल लोकबात को सब्सक्राइब करें, और जो भी सुझाव आपके हों वो कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, और आगे भी हम ऐसे विद्वानों की चर्चाओं के साथ अन्य विषयों के साथ आपसे रूबरू होंगे। मैं चंद्रकांत बोहरे, कैमरा पर्सन श्रद्धा के साथ, धन्यवाद।